नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है चमोली में ग्लेशियर हादसे को लेकर। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिव्यू मीटिंग की है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए राज्य के आपदा राहत कोष से 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हादसे के बाद अब तक 203 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। जोशीमठ के रैणी क्षेत्र से ग्लेशियर टूटने से आपदा में 11 शव रिकवर किए गए हैं, लेकिन अब भी कुछ लोगों का पता नहीं चल पाया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की चमोली हादसे से जुड़ी हुई। ग्लेशियर हादसे को लेकर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिव्यू मीटिंग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए राज्य के आपदा राहत कोष से 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यानी कि ये जो रुपए हैं वो अब राहत बचाव के काम में लगाए जाएंगे। इसके साथ ही कल ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से घोषणा कर दी गई थी कि जो भी मृतक है उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही गई थी। तो हादसे के बाद अभी भी करीब सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव का काम कर रही है। जोशीमठ के रैणी क्षेत्र से ग्लेशियर टूटने से आपदा में 11 शव रिकवर अब तक किए गए हैं। इसके साथ साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा है कि ग्लेशियर फटा नहीं था, ग्लेशियर पिघला था, जिसकी वजह से नदियां उफान पर आ गई थी और इस वजह से एनटीपीसी का जो पूरा प्लांट था वो निस्तनाबूत हो गया, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया और ये आपदा उत्पन्न हुई और इतने सारे लोग अब तक मारे गए हैं और अभी जो लोग लापता हैं उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे आर्मी और आईटीबीपी के भी अफसर थे, इसरो के हमारे साइंटिस्ट थे और आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए अधिकारी थे। जो इसरो ने जो हमको बताया है, इसरो के जो निदेशक हैं, उनका कहना था कि ये जो 2-3 दिन पहले जो बर्फ़ वहाँ पर गिरी थी ये एक ट्रिगर पॉइंट से वहाँ से स्लाइड हुआ और उसके कारण ये लाखों मीट्रिक टन ये बर्फ़ एक साथ वहाँ से स्लाइड हुई, तो उसके कारण ये आपदा आई है। कोई ग्लेशियर टूटा है ऐसा उन्होंने अपने जो इसरो की जो क्या कहना रिपोर्ट है उसके आधार पर उन्होंने ये बताया। और वैसे भी उनका कहना था कि ये एवलॉन्च प्रोन एरिया नहीं है, तो इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ है। हाँ, उनका ये कहना है कि ग्लेशियर उन्होंने चित्र दिखाए वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई इस तरह की ग्लेशियर नज़र नहीं आ रहे, बड़ा साफ़ नज़र आ रहा है। जो 2-3 दिन पहले के जो इमेज हैं, जो वहाँ की इमेजरी है, उसमें इस तरह के कोई दिखाई नहीं दे रहा, साफ दिखाई दे रहा कि वो पहाड़ नेकेड है बिल्कुल, और एक टिगर पॉइंट पे कुछ दिखता है वहाँ पर ऊपर टॉप में, तो वहाँ कोई स्लाइड हुआ है कोई पहाड़ का टुकड़ा, उसके कारण ये पूरा बर्फ़ एक साथ वहाँ से स्लिप होकर के और इन परियोजनाओं को नुकसान पहुँचा।